खबर जयपुर जिले के चौमू तहसील के सामोद से है, जहां नववर्ष पर आराध्य देव वीर हनुमान मंदिर में भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। अपने आराध्य की एक झलक पाने की लालसा में अल सुबह से ही सामोद में भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हुआ, जो शाम तक जारी रहा। चौमू से वीर हनुमान मंदिर की सड़क पर वाहनों की रेलम पेल नजर आई। सुबह 9 बजे बाद मंदिर की पार्किंग पूरी तरह खचाखच भर गई। लोगों को सड़क के दोनों ओर काफी दूर अपने वाहनों को खड़ा करना पड़ा। इस दरमियान हनुमान ध्वजा हाथ में लिए जयकारे लगाते लोगों के समूह ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। ऊंची पहाड़ी पर स्थित वीर हनुमान मंदिर परिसर में मंदिर कमेटी की ओर से कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सुगमता से भक्तों को बाबा के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ता लगाए, जो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ व्यवस्था में जुटे हुए थे। तो वहीं सब इंस्पेक्टर पूजा पूनिया के नेतृत्व में सामोद पुलिस की ओर से भी सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए और यातायात को सुचारू बनाए रखने में जुटे रहे। आज वीर हनुमान जी के मंदिर में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। कोरोना काल से 2 साल से लोग बाग गाड़ी त्रस्त थे अंदर, और नए साल को विशेष रूप से मानते हुए लोग आते जा रहे हैं, और कोरोना का पालन करते हुए सभी भक्तगण मंदिर की कमेटी वाले, ट्रस्ट वाले सारे ही इन लोगों को कोरोना काल की गाइड दे रहे हैं।